जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपका अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर स्वागत करता हूं। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास बहुत कमेंट आ रही थी कि एक पुलअप्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि भीम किस प्रकार से कराई जाती है, तो मैं आपको भीम के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कितनी भीम के कितने नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ लिखा हुआ, 10 भीम के कितने नंबर, 9 भीम के कितने नंबर है। तो मैं इस वीडियो में आपको पहले भीम के नंबर बताऊँ, तो पहले आप भीम देखिए किस प्रकार से आर्मी में कराई जाती है। देखिए भीम अब आपने भीम की वीडियो देख ली होगी किस प्रकार से कराई जाती है, तो टोटल 10 भीम कराई जाती है। तो 10 भीम कराई जाती है। पहले मैं आपको बता दूं क्लर्क और टेक्निकल के बारे में, कितनी भीमों की जरूरत पड़ती है क्लर्क वालों के बारे में और टेक्निकल वालों के बारे में, क्योंकि एनडीएम की बात है ही नहीं, एनडीए की भर्ती निकली नहीं है, तो इनके लिए 6 भीम। अगर ये 6 भीम कर देते हैं तो ये पास हैं, इनको फिजिकल के और उसके भीम के नंबर नहीं मिलते हैं, तो 6 भीम कर देंगे तो इनका 6 भीमों में काम चल जाएगा, इनके लिए 6 भीम बहुत है। और दूसरे नंबर अब आता है SGD और ट्रेडमैन, यानी कि सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेडमैन, इनमें वैकेंसी सबसे ज्यादा इसमें होती है फिर उसमें होती है। तो इसमें फिजिकल के नंबर मिलते हैं फर्स्ट ग्रुप को 60 और सेकंड ग्रुप को 48 नंबर। तो मैं बता दूं फिर इनके पास महत्वपूर्ण जो आता है ना, तो ये पुशअप्स आती है, जो पुलअप्स बोलते हैं वो पुशअप्स बोलता है, कोई भीम बोलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो पहले जो 6 पुलअप्स, यानी कि अगर आपने 60 नंबर फिजिकल में लिया 48 नंबर लिए, तो आपको 6 पुलअप्स करनी जरूरी है। 6 पुलअप्स के मिलते हैं आपको 16 मार्क्स मिलते हैं 6 भीम करने के, तो 16 मार्क्स से आपको कोई काम नहीं चलेगा अगर 6 पुलअप्स मार देते हो। तो आप अगर 6 पुलअप्स मार देते 16 नंबर मिल जाते हो, अगर फर्स्ट ग्रुप में हो 60 नंबर 60, 70, 76 नंबर, तो इससे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा, आपका नंबर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फिर आती है 7 पुलअप्स, 7 पुलअप्स के आपको नंबर मिलते हैं 21 मार्क्स मिलते हैं, 6 पुलअप्स के आपको 21 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको फिर आती है 8 भीम, मतलब 7 भीम के 21 मिल जाएंगे, फिर आती है 8 भीम, 8 भीम पर आपको मिलेंगे 27 मार्क्स। उसके बाद है 9 भीम, 9 भीम यानी कि 9 पुलअप्स बोलते हैं, कोई 9 भीम बोलते हैं, 9 भीम के आपको मिलेंगे 33 मार्क्स। उसके बाद आती है 10 भीम, जो 10 मार देता है वो जंग जीत जाता फाइनली, उसको मिलते हैं 40 मार्क्स। अगर जो 10 भीम मार देता है उसका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है, मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा, क्योंकि मान लो अगर 48 नंबर का फिजिकल किया, 40 नंबर की भीम हो गई, 4×8 80, 88 नंबर फिजिकल हो गया, 100 नंबर का पेपर होगा, मैथ कितने जाती है 176, 177 पे, टोटल 200 नंबर का होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पूरी 40 भीम मारिए, अगर आपको फिजिकल फर्स्ट ग्रुप में है तो आप 9 भी मार दोगे तो चल जाएगा, 9 के बाद एक तो जैसे तैसे लगी जाती है। तो मैं आपको बता दूं अगर आप पेड़ पे लटक करके किसी पेड़ पे या गाड़ करके अगर आपसे लास्ट अगर 8 भीम भी लगती है ना, तो भी बहुत है, अगर 8 भीम भी मार रहे हो आप, 8 भीम या 8 पुलअप्स या 8 पुशअप्स अगर आप मार रहे हो ना पेड़ पे लटक करके इसी तरीके से, जैसे मैंने जो भी आपको वीडियो दिखाई थी उस तरीके से, तो आप वहाँ पर 10 मार दो, क्योंकि वहाँ पर वो फट्टा होता है ना, उनका इतना चौड़ा होता है, उसमें हाथ इस प्रकार से आते हैं, हाथ तक आता है, तो सपोर्ट मिल जाती है उससे। अगर तुम आप यहाँ पर 7 मार दो तो वहाँ पर 10 मार दोगे। तो मैं आशा करूँगा पहले घर पर अपने 10 ही मार करके देखें, रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि भीम कंपलसरी है जो ट्रेडमैन और GD की तैयारी कर रही है, और जो क्लर्क और टेक्निकल की उनके लिए 6 बहुत है। अभी आप सोचो कि पहले फिजिकल मार देता हूँ 16 नंबर भीम हो जाएंगे बहुत, उससे काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अगर वीडियो लगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, क्योंकि आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।